बताया आपको मध्य प्रदेश के रीवा की ओर ले चलते हैं, जहां पर आपको दो समुदायों के बीच की लड़ाइयों को दिखा दे, जहां पर पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को चाकू से वार कर दिया, जिससे उसके पेट पर गंभीर रूप से घाव आए हैं। आए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले? गल्ला मंडी है, मैया विकास कॉलोनी बाबुल के पीछे। किसने मारपीट किया आपके साथ? ये जुग्गू मिश्रा, गोलू बच्ची चिकबा चिकाने का इब्बू जुग्गू मोनू सरगना। कब की है? ये अभी की बात है, आधे घंटे पहले की। हमारे मोहल्ले में मार गए हैं हमको। रात को भी मारपीट किए हैं? रात में मारपीट नहीं हुई है, रात में गाली गलौज किए हैं। हम लोग रात में कबाड़ी मोहल्ला में काम में थे, प्लेट धो रहे थे कबाड़ी मोहल्ला में। हम लोग जब आए हैं तो गाली गलौज करके यहाँ चले गए थे। फिर हमने जुग्गू की मम्मी बुलवाया फोन लगवा के, तो अच्छे से बोली कि हो गई गलती है, माफ़ी मांग ले, बिया हुआ है। हम लोग एक शब्द नहीं बोले। और सुबह ये अपने लड़के से जाके भिड़ा दी कि हमका गरियाबत रहे इन लोग, हम लोग एक लफ्ज निकाल नहीं दिए हैं। और सुबह आके हमको हमारे मोहल्ले में डंडे से और आटो की बीट से कम 20 बीट और 4-5 डंडे मारे हैं। चाकू कौन मारा? चाकू अपने से मारा है, अपने से मारा है चाकू। क्या करता है? जेबा करता है, स्नैचिंग करता है, लूटपाट करता है। गोली कहाँ पे चलाया था? रात में गोली चलाया है, ऊपर फायरिंग ऊपर। और मेरी चाची को बोल रहा था कि तुम्हारे सामान में गोली मार देंगे। घटना कुछ नहीं, मेरे साथ ये इसका भाई पकड़ के मरवा दिया चाकू पीछे से। कौन मारा है चाकू? छोटू। कौन छोटू? ये अभी देवराज का भाई। देवराज पकड़ा काहे के पीछे झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, वहाँ पे जैसे ही पड़े हुए तो पीछे से वो मार दिए। किस बात का झगड़ा था? कुछ बात हमारा कोई इनका झगड़ा नहीं था, ये फर्जी मेरे को मार दिए है। बिना झगड़े के मारे? बिना झगड़े के मार दिए सर। कहाँ रहते हो आप? हम माहिए में रहते हैं। रिपोर्ट हो गई है? जी रिपोर्ट तो लिखे है अभी मेडिकल के। बना लिखा। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।